कोरोना का संक्रमण लगातार देश में फैलता ही जा रहा है, लेकिन लोग लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन एक बार फिर एहतियात नहीं बरतने वालों पर सख्ती से निपटने को तैयार है। उसी के तहत कुंडू में बाइक में सवार दो तीन लोग बेवजह घूमते नजर आ रहे हैं, साथ बगैर मास्क और बगैर हेलमेट के खुलेआम सड़क, दुकान और बाजार हाट में आवाजाही कर रहे हैं। पूरे देश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सक्रिय हो गई है। बगैर मास्क और बगैर हेलमेट और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों को पुलिस ने रोकना प्रारंभ कर दिया है और थाने में वाहन को जब्त कर जमा करवा रही है। सरकारी आदेश के अनुसार निर्धारित जुर्माने की रकम चुकाने के बाद ही अब नियम तोड़ने वाले अपने वाहन ले जा सकेंगे। पुलिस के अनुसार लॉकडाउन के मद्देनजर देश और राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी ताकि कोरोना का संक्रमण नहीं फैले। न्यूज़लैंड के लिए बुंडू से विनोद बनर्जी। लॉकडाउन जो अभी लगा हुआ है उसके मद्देनजर गाड़ियों की चेकिंग लगाई गई है ताकि लोग सोशल डिस्टेंस का मेंटेन कर सके। अधिक से अधिक मात्रा में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग गाड़ियों को अभी थाने के अंदर लगाए हैं और इनको अवेयर किया जाएगा, चाहे न्यायसंगत तरीके से किया जाए, कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। फिलहाल ऐसा देखा जा रहा है कि अक्सर बुंडू में लोग इस चीज़ का फॉलोअप नहीं कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने ये अभियान चलाया है और काफ़ी सख्ती से अभियान चलाया है। इनको भी लगाइए, अंदर भेजिए, इनको देखिए, अंदर भेजिए। ये भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। जैसे देखिए, ये दो लोग घूम रहे हैं। आदेश सरकार का आदेश है कि एक ही एक बाइक पे एक लोग को घूमना है, लेकिन ये डबल घूम रहे हैं, इस कारण से इनको अंदर भेजा जा रहा है। न्यूज़लैंड्स चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूज़लैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है